ऊपर से सेटिंग मिलाएंगे। बिल्कुल दोनों भी, वो तो मैनुअली देखना पड़ेगा ना अपने को कि सेटिंग किस हिसाब से सेट हो रही है ना। ये तो बंदे को आइडिया होना चाहिए कि भाई ऐसे करेंगे तो ऐसा है ना। ये इसके बॉर्डर से बॉर्डर मिला लेगा ना। हाँ, इसके ऊपर बॉर्डर से बॉर्डर, ये लाइनिंग की लास्ट लाइनिंग है, वहाँ पे लास्ट लाइनिंग है। हाँ। वो आ जाती है जी, नीचे तक लास्ट लाइनिंग है वो भी आ जाती है। हाँ। अब ये इसको दबा के पता चल जाएगा, हाँ आ जाएगा इसको पूरा डिजाइन। ओके हाँ, ये तो उसके बाद इस पर टेप लगाएंगे और नीचे से उसको वहीं पर रोक। जितना नंबर इसने चलाना है ना उतने नंबर की चप्पल नीचे और उतना ही नंबर का साइज यहाँ पे, चार नंबर इसने ओपन छोड़ दिया, बाकी भी पूरी बड़ी। हम लोग सिर्फ खाली अगर ये चलाना तो हमें ये ओपन रखना, ये बाकी सब अपना बंद करना। एक सेट कर दो, दूसरा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है ना। हाँ, नीचे से पहले तो दोनों सेट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, हाँ, नीचे वाले तो बिल्कुल सेट करने पड़ेंगे। हाँ। ये फिर एक ये पूरा इस पे टेप लगा के वहाँ पे भी टेप लगा दे, एक बार पूरे पे लगा दे, एक बार पूरे पे लगा दे। हाँ, हाँ वो केमिकल नहीं जाएगा ना उस साइड, पूरे पे लगा के दिखा देंगे। ऐसे कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, पर पूरे पे लगवाई देते हैं। सेफ्टी है यार इससे तो, कोई वो थोड़ा ना नुकसान थोड़ा ना। अभी ज़्यादा पेयर चलाने होते हैं ना तो ये पूरी सेफ्टी करके ओके करके तब चलाता। अब दो चार सैंपल निकालने हैं या दो चार पेन निकालने हैं तो नॉर्मली इस पे यहाँ पे कलर थोड़ा सा इतना सा डलेगा जी। हाँ, इतना डल के और फिर लगातार मारते। कोटिंग इस तरह की हो रखी है, यहाँ से कलर नीचे नहीं जाएगा। हाँ। सिर्फ यहाँ यहाँ से जाएगा। कोटिंग इस तरह की हो रखी है, यहाँ से कलर बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, यहाँ यहाँ से दिखेगा जहाँ से डिजाइन है। बस वो कलर ख़राब ना हो और ज़्यादा चिपके ना, और इसको बाद में साफ ना करना पड़े, इसलिए टेप लगाता है। बाद में टेप को उतार के डस्टबिन। ये सर ऐसे कैसे आता ना ये तो, या इसमें कुछ मिक्स किया जाता है? नहीं, इसमें कुछ मिक्स किया जाता, इसमें जब इसमें डालते हैं ना ये नाइट्रो डालते हैं, ये नाइट्रो डालते हैं। हाँ, इसमें पतला करने के लिए पतला इसमें डालते हैं। अब ये डाल के दिखाएंगे। अब वो बिल्कुल गाढ़ा हुआ है, गाढ़ा है तो उसको थोड़ा हल्का करने के लिए इसमें से निकल जाए तो उसको वो करते हैं, नाइट्रो मिलाते हैं हल्का।
ये फिर कितनी देर में सूख जाता है? ये बस हवा लगनी चाहिए 10 से 15 मिनट में। हाँ तो आते सूखता ही चला जाता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है हल्का फुल्का, जैसे कंप्लीट होता जाएगा फिर एक फिटिंग करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आधे दिन का, वरना चिपकने लगेगा हाथों पे। हेलो, अभी दूसरा कलर करने के लिए अब इसके ऊपर दूसरा कलर करेंगे, वो दूसरा फ्रेम उठाएंगे। क्या? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या सर? वो वाला पीस सर मैं आपको इसी नंबर पे कॉल बैक करता हूँ, इसी नंबर पे कॉल बैक करता हूँ। कोई तो भी सूखा होगा तो दे देगा। ये तो मुश्किल से 2 मिनट का ही काम है, 2-4 मिनट में सूख जाता, हवा चलते रहे बस। अब नॉर्मल लगा, ये फर्मा सेम था, मतलब अगर दूसरा डिजाइन बनाना तो एक और फर्मा लेना पड़ेगा। एक और फर्मा लेना, इसके ऊपर 3 कलर होंगे। हाँ। तब ये जाके पूरा कलर वो फर्मा अलग अलग बदलना पड़ेगा, अलग अलग बदलना पड़ेगा। आप एक डिजाइन तीनों पे इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि 3 कलर में निकालना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने वो वाला डिज़ाइन अलग था और उसका उसी का डिज़ाइन अलग है। उसी पे जो सेट होना है 4 नंबर का, वो कलर में लगेगा। अब इसको फिर नीचे से सेट करना पड़ेगा उस डिजाइन के थ्रू, और भी चलेगा। कोई सा भी कल चला दो, कोई भी चला दो यार। अगर मतलब मान के चलो जैसे अपने को इसी फर्मे में आधा इस कलर का बनाना, तो इस पे आधे पे टेप लगा दो, आधा बन जाएगा, आधा बन जाएगा। अगर दूसरे साइड का दूसरा कलर करना, उसको टेप लगा दो, वो खोल दो। हाँ, अगर अपने कुछ चीज छिपवानी है तो नीचे टेप लगा, नीचे टेप लगानी पड़ेगी। ऊपर टेप लगाएंगे तो वो उसके साथ स्टेपर के साथ उसके उखड़ के आ जाएगी। अब 4 नंबर और ड्राइव पहले ही छप गया था। हाँ। तो अब दूसरे कलर में वो जरूरत ही नहीं है। सही बात है, अगर पहले कलर में भूल जाते हैं तो दूसरे कलर में छाप दो या तीसरे में। हाँ। आगे तक नहीं आया वो, कोई नहीं, जहाँ से डिजाइन है वहाँ तक चलना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ से डिजाइन शुरू है, यहाँ से आगे से होना है। अभी सेकंड कलर हो, वो पूरे पे उठा के देखें सारा।
यहीं पे लगा दे इसको जो प्रिंटिंग के लिए लगातार प्रिंटिंग कर रहे हो तो इतना टाइम भी बहुत है कि ये सूखने में या कि दूसरा का एक बार हवा में रख के वापस चला। अगर फिटिंग करनी है इसकी स्टेप लगानी है तो तकरीबन आधा दिन देना पड़ेगा वरना ये पेंट उतरने लग जाए या इस पर बुरा दर्द करके वो चिप जाएगा बिल्कुल। और उस कलर में आपका जो सस्ते वाला बता रहे थे ना उसमें फिर साथ हेलो जी नमस्कार जी राजपीत। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर नमस्कार सर बताइए बताइए सर। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सर आप बताइए। अच्छा आप आ रहे हैं आ जाओ सर कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ आप। मैं मान के चलो मैं पहुंच जाऊंगा 11:30 एक बजे सॉरी 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। कोई नहीं मैं पहुंच जाऊंगा 12 बजे तक आप आराम से आ जाओ आप आ जाओ। हाँ बिल्कुल सर आप टेंशन फ्री हो जाओ ठीक है ना आ जाओ। ओके सर थैंक यू।